भाकपा माले की बैठक में रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। चुनाव की तैयारी पर विशेष चर्चा हुई। पार्टी कार्यालय रामगढ़ में विधानसभा स्तरीय बैठक जिला सचिव भुवनेश्वर बेदिया की उपस्थिति में हुई। श्री बेदिया ने कहा कि रामगढ़ मांडू बड़कागांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। प्रत्याशियों की घोषणा केंद्रीय कमेटी करेगी। मौके पर भूख से मौत, मॉब लिंचिंग, पलायन, बेरोजगारी, फांसीवाद, सांप्रदायिक और कॉरपोरेट लूट के खिलाफ मुद्दों पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। इस जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अभी जो बैठक है इस बैठक तो रामगढ़ विधानसभा का है। रामगढ़ विधानसभा भी उस तीनों विधानसभा में आता है और एक मजबूती के साथ हम तीनों विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और रामगढ़ और या मांडू या बड़का गांव तीनों विधानसभा में जनता से अपील करेंगे। जो जनता जो 19 सालों से जो ठगी गई है और झारखंड को लूट खंड में जो बदल दिया गया है, इन सवालों पर हम यहाँ के जनता से अपील करेंगे कि एक मजबूत जमीन के रोड सड़कों का विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भाकपा माले को वोट दें। आज की जो बैठक है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का तैयारी किए हैं और रामगढ़ विधानसभा में हम लोग जो जनता के सवाल लगातार सवालों पर लड़ते रहे हैं, जनता के जिन सवालों को लेकर लगातार हम लोग लड़ते रहे हैं उन्हीं सवालों को लेकर इस चुनाव में भी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और जो राजनीतिक पार्टियां यहां पर जनता को ठगने का काम की है इनका पर्दाफाश करते हुए हम लोग इस चुनाव में अपना कैंडिडेट देंगे और चुनाव को मैंने हम लोग फतह करेंगे। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है